अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त खबर अब तक के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। खबर अब तक पहुँचाने में हमारे साथ तआवुन कर रहे हैं फ्रेंड्स हॉस्पिटल। और अब खबरें तफसील के साथ। जनूबी ज़िला अनंतनाग के गगर मंडू इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान जारी झड़प में जख्मी होने वाले दो आम शहरियों में से आज सुबह एक शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया है। इत्तला के मुताबिक मारे गए शख्स की शिनाख्त अब्दुलरशीद डार के तौर पर हुई है। फौज ने कल जारी एक बयान में कहा था कि मिलिटेंटों की अंधाधुंध फायरिंग की जद में दो अफराद आकर जख्मी हुए थे। वहीं गुज़श्ता रोज झड़प में दो फौजी अहलकार मारे गए थे, जिनकी शिनाख्त हवालदार दीपक कुमार और लांस नायक प्रवीण को शर्मा के तौर पर हुई है। वहीं इस झड़प में दीगर चार फौजी अहलकार जख्मी भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। उधर आईजीपी कश्मीर विद्दी कुमार बिरदी ने आज सुबह झड़प के मुकाम पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को इस तसादुम की तफसीलात फराहम देते हुए बताया कि इस ग्रुप में तीन से चार मिलिटेंट होने का खदशा है। उन्होंने कहा कि यह मामला जेर तफ्तीश है कि दो आम शहरी मिलिटेंटों के करीब कैसे पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है कुछ समय से उनको फॉरेन टेररिस्ट का जो अपर रीजन में मूवमेंट का जो इतला थी, और उसी असना में यहाँ जो है गागर मंडू जो इलाका है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी को कुछ फॉरेन टेररिस्ट का मूवमेंट दिखा, और इसी असना में उनका जो गोलियों का तबादला हुआ आपस में, और उसके बाद ये ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। तो अपर रीचेस में है ये गागर अपर रीचेस में ये ऑपरेशन चल रहा है, और इस ऑपरेशन के दौरान जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जो दो अहलकारों को जो थे वो शदीद तौर से जख्मी हो गए थे। बाद में दे अटेंड मार्टिरडम आल्सो, एक अहलकार और इंजर्ड था जो कि अभी स्टेबल है। और इसी वहां पर एक और जो तफ्तीश का मौजूद भी है, वहां पे कुछ और लोग थे जो कि इस गोलियों के तबादले में उसकी जद में आए, जिसमें एक जो सिविलियन था वो भी शदीद तौर पे जख्मी होके ही सकम टू हिज इंजरीज। जो दूसरा सिविलियन है वो जेरे इलाज है, और अभी तक की ताज़ा जानकारी से वो अभी थोड़ा सा स्टेबल है। सर, ये जो ग्रुप है इसके बारे में क्या जानकारी है? डोडा किश्तवाड़ से इन्फिल्ट्रेट करके कश्मीर? देखिए, ये अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा, पर क्योंकि ये इलाका जो है डोडा की जो सीमाएं है, बॉर्डर है उसके उसी के पास में है, ये उसी बॉर्डर्स के काफ़ी पास में है। तो ये अभी आपको बाकी तफसीलात जो है बाद में साझा की जाएंगी, क्योंकि अभी ऑपरेशन अभी चल रहा है, सर्च ऑपरेशन काफ़ी इंटेंसिवली चल रहा है, तो उसके बाद जब कंक्लूड होने के बाद ही इस तरह की जानकारी शेयर कर पाएंगे। उधर मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में मारे गए फौजी अहलकारों की मौत पर दुख का इजहार करते हुए लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया है, जबकि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने दो फौजियों और आम शहरी के मारे जाने पर दुख का इजहार करते हुए एक पोस्ट में कहा है कि तशद्दुद सिर्फ गम और तबाही को जन्म देता है। दूसरी तरफ से जिला किश्तवाड़ में भी आज अलसुब सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ है। इत्तला के मुताबिक ये गोलियों का तबादला तब हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेज की टीम ने नोनट्टा इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी था। उधर जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में रियासती दर्जे का हवाला देते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने आज एक तकरीब के हाशिए में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में रियासती दर्जा भी दिया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा करके असेंबली इंतखाबात कराने की यकीन दहानी कराई है। वहीं उन्होंने कहा कि ये अब इलेक्शन कमीशन तक है कि वो यहाँ इलेक्शन कब होंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर के हवाले से हदबंदी, असेंबली इंतखाबात और स्टेटहुड की बात पहले ही की है, और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में ऐसे में इंतखाबात भी कराए जाएंगे, जबकि उसके बाद रियासती दर्जा भी बहाल होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी
जून को श्रीनगर आए योगा डे के अवसर पर, तो उन्होंने उस दिन ही कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव होंगे। अभी इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम यहाँ आई थी, पॉलिटिकल पार्टी से एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से सभी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करके वापस गए। चुनाव की तिथि क्या होगी, मुझे लगता है कि यह चुनाव अधिकार चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है, और जैसा 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री जी ने संसद में कहा था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट देन असेंबली इलेक्शन देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम, उसी सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द। अमरीकी हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से गुज़श्ता बरस अपनी तहलका कैश रिपोर्ट में गौतम अडानी को निशाना बनाने के बाद एक्स पर एक पोस्ट करके भारत में कुछ नए इंकशाफात की इतला दी थी, और अब उसने एक नया इंकशाफ भी जारी किया है। पिछली बार अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए बेजाबतियों के इल्ज़ाम के बाद इस बार हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सेबी की चेयरपर्सन मादाबी पूरी बूच और उनके शौहर को फंसाया है। नई विसल ब्लोअर दस्तावेजात में मुबैना तौर पर दावा किया गया है कि सेबी के चेयरपर्सन और उनके शौहर ने अडानी साइफनिंग स्कैंडल में इस्तेमाल होने वाले गैर वाजे ऑफशोर फंड्स में हिस्सा लिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने पहले देखा है कि किस तरह अडानी संजीदा रेगुलेटरी मुदाखलत के बगैर पूरे एतमाद के साथ अपना काम जारी रखे हुए है। इससे अडानी और सेबी की चेयरपर्सन माधवी पूरी बूच के दरमियान ताल्लुकात के जरिए समझा जा सकता है। उधर सेबी चेयरपर्सन माधवी पूरी बूच ने हिंडनबर्ग के लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इसे किरदार कशी की कोशिश करार दिया है। वहीं अडानी ग्रुप ने भी जारी एक बयान में लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। बयान में कहा गया है कि इसका और सेबी चीफ माधवी पूरी के साथ कोई तजारती ताल्लुक ही नहीं है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि वो अपनी कंपनियों के खिलाफ लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करता है और इस बात का इरादा करता है कि उसकी गैर मुल्की होल्डिंग का ढांचा मुकम्मल तौर पर शफाफ है। दूसरी तरफ से रिपोर्ट सामने आने के बाद अपोजिशन जमातें एक साथ मरकजी हुकूमत पर हमलावर हुई हैं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और जनरल सेक्रेटरी जे राम रमेश ने पार्टी की तरफ से इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा कि अडानी मेगा स्कैम की जांच करने के लिए सेबी की अजीब हिचकिचाहट काफ़ी वक्त से देखी जा रही है। उनने कहा कि खासकर सुप्रीम कोर्ट की माहरीन कमेटी की तरफ से इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सेबी ने 2018 में गैर मुल्की फंडों की के आखिरी फ़ायदा उठाने वाला यानी हकीकी मिल्कियत से मुतालिक रिपोर्टिंग ज़रूरियात को कमज़ोर कर दिया था और 2019 में पूरी तरह से हटा दिया था। उनने कहा कि कमेटी के मुताबिक ऐसा होने से सिक्योरिटीज़ मार्केट रेगुलेटर के हाथ इस हद तक बंद गए कि उससे गलत कामों का शुबा तो है लेकिन इससे मुतालिक जाब्तों में मुख्तलिफ शरायत की तामील भी करनी होती है। यही वो तजादात है जिसकी वजह से सेबी इस मामले पर किसी नतीजे तक नहीं पहुँचा है। वहीं जयराम रमेश ने इस मामले की जाँच के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी तश्कील देने की मांग की है। बड़गाम के करालपोरा में आज पीडीपी का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस दौरान कई अफराद ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी हांजूरा, असेंबली नशस्त इंचार्ज मोहम्मद यासीन बट के अलावा दीगर पार्टी लीडरान भी इस मौके पर मौजूद थे। गुलाम नबी हांजूरा ने इलेक्शन कमीशन के दौरे पर इस दौरान कहा कि तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन के सामने ये साफ कहा है कि इंतखाबात की ज़रूरत है, मगर फिर भी जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने बयान दिया कि वह दिल्ली जाकर ऐलान करें, शायद हमें लगता है कि वह दिल्ली में सरकार के साथ बात करके फैसला करेंगे। आपको एक बात बताऊंगा कि जब इलेक्शन करने होते हैं, ये तो हमने एक नया सिलसिला देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ आ गया, फिर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के वफूद के साथ मुलाकात की। ये तो एक रूटीन मैटर है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन बात यह है कि अभी तक 5 साल हम इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन कब होंगे। ये हम ही नहीं कर रहे, ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो भी हिजब इख्तलाफ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं यहाँ, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीडीपी है या दूसरी जमातें हैं, सभी ये एकजुट ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए। और जब हमारी वफद इनसे मिली, इलेक्शन कमीशन से मिली, तो हमने वहाँ भी हमारी वफद ने यही बात कही कि यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है
कि यहाँ ऐलान करने के बावजूद उन्होंने यही बात फिर दोहराई कि हमें सिक्योरिटी सिनेरियो देखना है और दिल्ली में जाके हम फैसला करेंगे। एक्चुअली उनको वो फैसला नहीं करना है बल्कि उनको डिक्टेशन लेना है होम मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्टर से डिक्टेशन लेना है। अगर वो चाहेंगे तो इलेक्शन होंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो इलेक्शन नहीं। देखिए ये तो हतमी है, हमने तो लिस्ट निकाला है, जितना भी निकला है 14 का, 15 का, 10 का, 20 का, वो तो उसमें तो कोई दो राय है नहीं कि यही हमारे कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह आइंदा जो आने वाला इलेक्शन असेंबली। देखिए इसमें हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड इसमें बना हुआ है और अपेक्स बॉडी हमारी पीएसी है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, तो वो ये फैसला करेगी कि किस लीडर को वापस लाना है, किसको नहीं लाना है, ये तो उन पर डिपेंड करता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि पिछले 5 साल से लगातार लोग आ रहे हैं, जोक दर जोक आ रहे हैं, हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, ये बेशक कई लीडर हमारे। वही मोहम्मद यासीन भट्ट ने पार्टी की जानिब से उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज बनाने पर पार्टी का शुक्रिया अदा किया है। भट्ट ने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में वो चाडूरा से बड़ी जीत दर्ज करेंगे। मैं ऊपर वाला का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं, पार्लियामेंट्री बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड और पार्टी प्रेसिडेंट ने फैसला लिया है चाडूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मोहम्मद यासीन भट्ट को कैंडिडेट नामजद किया है, तो मैं इंशाल्लाह अपने काम करूंगा और अपने लोगों के साथ जुड़ूंगा, लोगों के साथ कदम ब कदम चल के इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कल आने वाला चाडूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। ठीक, देखिए ये सीट पिछले 3 टर्नों पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास रही, लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है, आप लोगों के सामने आपने देखा है लोग इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आज के डेट में वर्कर एक्टिव है, इंशाल्लाह जो आने वाला इलेक्शन है ये जीत पीपल्स डेमोक्रेटिक। नाज़रीन वॉइस टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले ये तिजारती वक्फा। खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का, ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं, और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पेटा सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पेट स्पीड असल जो ये प्याजो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत ईजी होता है। ये बेनिफिट बरोबर कम्फर्ट बरोबर की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से, जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाए जो करे बाथरूम किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। करना से ताल्लुक रखने वाले फिजिशियन डॉक्टर नसीर ने आज श्रीनगर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की, और इस मौके पर पीसी चेयरमैन सजाद लोन और जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए इमरान रजा अंसारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के दौरे पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन अब यहाँ होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ दौरा करके यहाँ की सूरत हाल देखी, जबकि यहाँ सियासी जमातें भी तैयार हैं। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के असेंबली इंतखाबात न लड़ने के फैसले पर अंसारी ने कहा कि अगर इस सेटअप में ये इलेक्शन हुआ तो ये डोंग होगा। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की इलेक्शन से पहले रियासती दर्जे की मांग को अच्छा कदम करार दिया। एक बात मैं आपको बता दूंगा, अगर इलेक्शंस होने जा रहे हैं
और सेटअप ऐसा ही रहेगा जैसा है, तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन एक फार्स होगा और एक आई वॉश होगा जस्ट खानापूरी के लिए, चूंकि इनको इनको सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा झटकाया है बीजेपी गवर्नमेंट को। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये उन्होंने ये कहा है कि जब तक स्टेटहुड वापस ना मिले पूरी तरह से विद ऑल पावर्स, हम भी उसके हक में हैं कि विद ऑल पावर्स होना चाहिए, लेकिन सिचुएशन अब ये आप पर ला रहे हैं तो वो हम तजिया करेंगे, हमारी जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठेगी तो हम भी उस पर फैसला जरूर। उधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आज टंगमर्ग में पार्टी कन्वेंशन मुनाकिद किया गया जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में गुलाम हसन मीर ने कहा कि अपनी पार्टी चाहती है कि यहाँ के लोग बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने चाहिए। गुलाम हसन मीर ने कहा कि एक तरफ जहाँ नौजवानों को तंग किया जाता है वहीं दूसरी तरफ से यहाँ के नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं। अपनी पार्टी अपने बल बोते पर आगे बढ़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि यहां मिलिटेंसी खत्म नहीं हुआ है लेकिन कंट्रोल में है। किसी भी पार्टी के साथ इतिहाद को हम रूल आउट करते हैं, लेकिन पिछली बार पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई, हमने जो पार्लियामेंट के चेयरमैन हैं उसको इख्तियार दिया है कि वो 15 दिन में लिस्ट पॉलिटिकल अफेयर्स को कमेटी को फराहम करेगा कि कहां कहां से हमारे उम्मीदवार खड़ा होंगे। अगर मैं ये पहले बताऊं, स्पेकुलेशंस पे बात नहीं की जाती है, क्या होने वाला है क्या होगा। स्पेसिफिकली जो हमारा एजेंडा है अपनी पार्टी का, इसके बिना जम्मू कश्मीर के लोग। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरिटी का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाए जो करे बाथरूम किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से मदद। श्योरिटी ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और सूबाई सेक्रेटरी शौकत अहमद मीर ने आज टंगमर्ग दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि 90 की दहाई में जब कश्मीर जल रहा था तब भी यहां इलेक्शन हुए थे। उन्होंने कहा कि जो जम्मू पुरअमन था वहां आज मिलिटेंट हमले हो रहे हैं। यही कहते हैं, इनको लगता है यहाँ लोग बच्चे खेल रहे। जिस वक्त जल रहा था कश्मीर 90 से 95 तक 95, उधर आर एन बी दफ्तर भी गए, डीसी साहब को कैसे गया बच्चे, डीसी साहब तो हमारा उसके तक वो बात नहीं पहुँचाते। अब गुजारिश कर रहे हैं डीसी साहब से कम हमारी इस रोड कम से कम तवज्जो दे दो, इधर हमारा ये बुजुर्ग है एक दिन। नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेजबान को दी इजाजत और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।